हेलो एवरीवन, पिछले वीडियोस में हमने SN1 और SN2 रिएक्शंस को डिस्कस किया है। आज मैं आपको इन दोनों का अंतर समझाती हूँ कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। पहले हम बात करते हैं SN1 रिएक्शंस की या SN1 मैकेनिज्म की। ये एक प्रकार की क्रियाविधि है। SN1 तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर इसका पूरा नाम है। ये टू स्टेप प्रोसेस है। SN1 अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की गति है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के समानुपाती होती है। और ये जो रिएक्शन है SN1, पहले मैं केवल SN1 के बारे में बात करूंगी, फिर SN2 के बारे में। ये जो SN1 रिएक्शन है, ये ध्रुवीय विलायकों में अच्छी तरह से संपन्न होती है। तो इसमें ध्रुवीय विलायक लेते हैं तब अभिक्रिया की गतिविधि गति जो है वो फास्ट होती है। फिर है कि इसमें इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है फर्स्ट स्टेप के अंदर, जो कि हमने देखा था वीडियो के अंदर। वो फर्स्ट स्टेप जो कि कंपेरेटिवली स्लो है, जो कि दो पदों में अभिक्रिया हो रही है, तो हमारे लिए वो पद इम्पॉर्टेंट है जो स्लो है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप स्लो होने के कारण हमने फर्स्ट स्टेप को ही गति निर्धारक पद माना है और उसमें कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। ये कार्बोनियम आयन प्लेनर होता है और sp2 संकरित होता है। सेकेंड स्टेप में इसमें नाभिक स्नेही का अटैक होता है और वो नाभिक स्नेही का अटैक दोनों तरफ से हो सकता है। चूंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है इसलिए तल के ऊपर से भी अटैक हो सकता है, तल के नीचे से भी हो सकता है। अगर इस अभिक्रिया में कायरल कार्बन ले लिया जाए तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। यदि ये कायरल कार्बन है, यदि एल्किल हैलाइड वाला जो कार्बन है वो कायरल कार्बन हो, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जिसमें अभिक्रिया करवाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बाहर से हमको ऊर्जा देनी पड़ती है। ये ऊर्जा इसको कहाँ से मिलती है? ये इसको मिलती है ध्रुवीय विलायकों द्वारा। ध्रुवीय विलायकों का एक एग्जाम्पल है जल। तो इस अभिक्रिया में जल एक अच्छे विलायक की तरह काम कर सकता है। ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, यानी कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यदि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो हमने देखा था कि जब एसिमेट्रिक कार्बन एटम लेते हैं, एल्किल हैलाइड यदि ऐसा हो जिसमें असममित कार्बन परमाणु हो या कायरल कार्बन परमाणु हो, तो SN1 क्रियाविधि के अंत में हमको रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। हालांकि जो रेसेमिक मिक्सचर है उसमें जो दो इनेंशियोमर्स हैं वो बराबर बराबर मात्रा में होने चाहिए, पर ऐसा देखा गया कि इसमें दोनों की मात्रा 50-50% ना होकर थोड़ी कम ज़्यादा होती है। कम ज़्यादा मीन्स जिसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है वो वाला प्रोडक्ट अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, और जिसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है वो प्रोडक्ट थोड़ा कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्जन वाला यदि ज़्यादा प्राप्त हुआ तो अभिक्रिया में नेट इन्वर्जन मान सकते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर नेट रिजल्ट हमारा ये होगा कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि जो हमारा कार्बोनियम आयन बन रहा है, जब हैलोजन के निकलने के बाद जो कार्बोनियम आयन बनता है, वो कार्बोनियम आयन भी प्योरली कार्बोनियम आयन नहीं होता है। चूँकि इस पर प्लस चार्ज है तो हैलोजन निकलने के बाद भी इसके आसपास ही रहता है, इस कार्बोनियम आयन के आसपास आयन पेयर की तरह ही रहता है। सीधा सीधा बॉन्डिंग नहीं हुई भी है बट आयन पेयर की तरह ये इसके साथ रहता है। और चूंकि ये माइनस चार्ज वाली स्पीशीज है इसलिए आने वाले नए न्यूक्लियोफाइल के अटैक को शील्ड करता है, रोकता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें पूर्णतः रसमीकरण नहीं होता है, 50-50% हमको जो प्रोडक्ट है वो नहीं मिलते हैं। तो उसका जो एक रिलेशनशिप है वो कार्बोकैटायन की
स्टेबिलिटी से भी है। जो मध्यवर्ती कार्बोकैटायन हमारा बना है, जो कार्बोनियम आयन हमारा बना है, यदि वो अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन बना है तो रसमीकरण अधिक होगा, और यदि वो कम स्थायी कार्बोनियम आयन बना है तो रसमीकरण कम होगा। आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में से जब हेलोजन निकल गया तब भी वो कार्बोनियम आयन के आसपास ही है, बॉन्ड नहीं बना हुआ है पर इसके आसपास ही है, तो ये आयन पेयर के रूप में इसके साथ है। आगे आने वाले स्टेप में जो हमारा विलायक है, जो जल हमारा विलायक है, वो इधर लग जाएगा और अनसिमेट्रिक सॉल्वेटेड कार्बोनियम आयन बन जाएगा। ये जो कार्बोनियम आयन बना है इसमें एक तरफ हेलोजन एक तरफ H2O है, तो अनसिमेट्रिक सॉल्वेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। जब अनसिमेट्रिक सॉल्वेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है तो वो प्रेफर करता है कि आगे जाकर इस प्रकार का प्रोडक्ट दे, एक प्रोडक्ट ज़्यादा दे, इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा दे। जबकि यदि यही अनसिमेट्रिक सॉल्वेटेड कार्बोनियम आयन सिमेट्रिक सॉल्वेटेड कार्बोनियम आयन में यदि बदल जाता है, यदि दोनों तरफ इसके जल आ गया, यहाँ से हेलोजन हट गया और दोनों तरफ यदि जल आ गया, तो अब ये सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक सॉल्वेटेड कार्बोकेटायन हो गया। तो इस प्रकार का कार्बोकेटायन जो होता है वो रेसेमिक मिश्रण देता है। तो इस प्रकार के कार्बोनियम आयन से हमको रेसेमिक मिश्रण मिलेगा। कंक्लूजन क्या निकाला, ये ऊपर लिखा हुआ है। द एक्सटेंट ऑफ रेसिमाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन गिव्स मोर रेसिमाइजेशन बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल सॉल्वेशन। तो जितना हमारा कार्बोनियम आयन स्थायी होगा उतना हमारा ये वाला सिमेट्रिक सॉल्वेटेड कार्बोनियम आयन बनेगा और रेसिमिक मिश्रण मिलने के चांस ज़्यादा होंगे। वेयर इज द लेस स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म्स प्रोडक्ट विद नेट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ड्यू टू अनसिमेट्रिक सॉल्वेशन। यदि कार्बोकेटायन हमारा लेस स्टेबल वाला कार्बोकेटायन है तो वो इस प्रकार का अनसिमेट्रिक सॉल्वेटेड बन जाएगा और अंत में इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा मिल जाएगा। इन्वर्टेड प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होगी। तो ये सारी बात थी SN1 अभिक्रिया के बारे में। इसी तरह मैं आपको SN2 अभिक्रिया के बारे में समझा देती हूँ। तो SN2 अभिक्रियाओं का जो मैकेनिज्म है, SN2 का पहले फुल फॉर्म हम जान लेते हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। ये भले ही आपको दिखाई दे रहा हो मैकेनिज्म की दो पद हैं, लेकिन जो दूसरा पद है वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि इसको हम कंसिडर ऐसे ही करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट जो है उसको हम इंटरमीडिएट तो है नहीं, ये मध्यवर्ती तो बना नहीं है, तो हम मानते हैं कि ओवरऑल जो प्रोसेस है वो एक ही स्टेप का है। यानी एक ही स्टेप के अंदर OH का अटैक पीछे से हो रहा है, हैलोजन आगे से निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। यानी कि इसको हम कंसर्टेड रिएक्शन भी कहते हैं, वन स्टेप रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है दो अभिकारकों की सांद्रता पर, यानी कि एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर और अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर इनकी रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की गति निर्भर करती है। इनमें नॉन पोलर सॉल्वेंट लिए जाएं तो ज़्यादा सही रहता है SN2 अभिक्रियाओं में। उसका कारण है क्योंकि SN1 अभिक्रियाओं में यहाँ पर क्या बन रहा था, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन पर रहता है प्लस चार्ज, तो वो खुद पोलर है, प्लस चार्ज है, इसलिए पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। और यहाँ पर जो बन रहा है वो ट्रांजिशन स्टेट है, उसमें प्लस माइनस चार्ज नहीं है, नॉन पोलर है ये। चूंकि ये नॉन पोलर है इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सही से अभिक्रिया होती है। इन अभिक्रियाओं में शुरू में पहले ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन है, जो बीच में कार्बन है, वो ऐसा लगेगा आपको कि उसकी संयोजकता 5 हो गई, पेंटावेलेंट दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीन सब्स्टिट्यूएंट द्वारा, फुल कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है,
और हेलोजन तथा जो न्यूक्लियोफाइल है उसके द्वारा जब जुड़ता है तो डॉटेड बॉन्ड बनाते हैं, यानी आंशिक बंध द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। और ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो अगली स्टेप है उसमें हमारा हेलोजन लीविंग ग्रुप की तरह बाहर लीव कर जाता है, निकल जाता है। ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, वो हमने देखा था SN1 जो थी वो एंडोथर्मिक थी। इस रिएक्शन में सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो किया जाता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है और वो हमारी थी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। स्टीरियोकेमिस्ट्री की यदि बात करें तो यदि यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड शुरुआती कंपाउंड जो हमारा है उसमें ए सिमेट्रिक कार्बन एटम हो और उस पर हम SN2 अभिक्रिया करवाएं तो केवल एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है और वो प्रोडक्ट भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता है, यानी कि उस प्रोडक्ट का जो इनिशियल अभिकारक है हमारा जो एल्किल हैलाइड है उससे इसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होता है, उलट जाता है इसका कॉन्फ़िगरेशन और इस इन्वर्जन को हम कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। तो ये था SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के अंदर क्या अंतर है वो मैंने आपको बता दिया है इनका अंतर। आई होप आप क्लियरली SN1 SN2 अभिक्रियाएं समझ पाए होंगे और उनका अंतर भी समझ पाए होंगे। थैंक यू।